हेलो वेलकम बैक। तो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों ने अमोनिया को दो अलग अलग मेथड से बनाया था। अमोनिया के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको कहा था कि अमोनिया के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। तो मैं वादे के हिसाब से आपके सामने खड़ा हूँ। आ जाइए देखते हैं। कंबसन यानी कि अमोनिया का कंबसन। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यदि आपके पास ऑक्सीजन है तभी अमोनिया को आप जला पाएंगे। और कंबसन भी दो तरीके से होते हैं, एक तो लिमिट अमाउंट में ऑक्सीजन हो यानी कि इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एक तो ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो, दूसरा है कि ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतने अमाउंट में हो। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरह की इक्वेशन को लिए हैं। यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के पास 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 4 मोल अमोनिया के पास 5 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो देखिए कंसेप्ट वही अपने को लगाना है, बिल्कुल नहीं रटना है। जिसने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देख लें तब ये वाला देखें तो ज़्यादा बात समझ में आएगी। मैंने कहा था किसी भी इक्वेशन में यदि आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो जितने भी पॉसिबल हैं उतने वाटर यहाँ से आप रिमूव कर दें। तो यहाँ से आपने 6H2O को रिमूव किया क्योंकि आपके पास 6 ऑक्सीजन है और 12 हाइड्रोजन है। दूसरी बात, एक्चुअली नाइट्रोजन के बारे में आपने शुरू से पढ़ा होगा, यानी कि शुरू का मतलब 9th से आपने पढ़ना शुरू किया होगा कि नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। नाइट्रोजन इजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इस चीज़ को मैंने किस तरीके से समझा है, किस तरीके से याद रखा है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने इसको इस तरीके से बनाया कि नाइट्रोजन हमेशा अलग थलग और अकेला रहना पसंद करता है। हाँ, यदि कोई मजबूरी हो जाए तभी वह किसी के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है नोबल गैस तो है नहीं जो कि वह किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हालांकि नोबल गैस भी खास कंडीशन में रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन सभी नहीं, कुछ एक। तो यहाँ पर नाइट्रोजन इजिली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। नाइट्रोजन चाहता है कि मैं अकेला ही रहूं। तो ये बात आपको माइंड में रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अब आपके पास 4 नाइट्रोजन रह गए, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2N2। लेकिन सेकेंड केस में यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है और 12 हाइड्रोजन है तो मैक्सिमम यहाँ पर 6 वाटर ही निकल सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आपने 6H2O लिखा। अब जरा चेक करते हैं कि अपने पास अब कितने नाइट्रोजन और कितने ऑक्सीजन बचे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि नाइट्रोजन आपके पास 4 बचे हुए हैं और यहाँ पर 5 2 10 ऑक्सीजन था, 10 ऑक्सीजन में 6 ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुके हैं, खर्च हो चुके हैं। तो अब ऑक्सीजन भी आपके पास 4 ही बचे हैं। तो 4 यदि आपने कॉमन ले लिया तो आप इसे 4NO लिख सकते हैं क्या? तो इस केस में नाइट्रोजन की मजबूरी हो गई।
तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, तो यहां पर आप देख लीजिए कि यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर हाइड्रोजन है। तो इससे पहले आपने कई रिएक्शन ऐसे देखे हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब आपस में आमने सामने आते हैं तो वो वाटर बनाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर इसने बनाया H2O। अब देखने वाली बात है कि कितने यहां पर वाटर बनेंगे। तो यहां पर 3 ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन है, तो यहां पर 3H2O बनेंगे। प्लस अब आपके पास नाइट्रोजन बचे हुए हैं 2 और कॉपर बचा हुआ है 3। तो यहां पर नाइट्रोजन चूंकि अकेला रहना पसंद करता है तो यहां पर N2 हो जाएगा और 3Cu होगा। तो अभी आप यह मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जी ऊपर भी थोड़ी देर पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो था तो वहां पर वह भी तो अलग रह सकता था। तो जब ऊपर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर सकते हैं तो यहां पर कॉपर और नाइट्रोजन आपस में मिलकर के कॉपर नाइट्राइड क्यों नहीं बना सकते है? सोचने वाली बात है। तो इसको इस तरीके से कि नाइट्रोजन यहां पर नॉन मेटल है, कॉपर यहां पर मेटल है। नाइट्रोजन आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। हाँ, यदि नाइट्रोजन को कोई नॉन मेटल मिल जाता तो वह उसके साथ कंबाइन कर लेता, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करता। लेकिन कॉपर यानी कि मेटल के साथ यह जल्दी रिएक्ट नहीं करता है और वो भी हाईली रिएक्टिव मेटल नहीं है, डी ब्लॉक के मेटल है, इसकी रिएक्टिविटी भी कम ही होती है। तो इस केस में क्या होगा, आप N2 लिखेंगे प्लस 3Cu लिखेंगे। सेम रिएक्शन यहां पर 3H2O, यहां पर N2 प्लस 3Pb, सेम रिएक्शन। अब यहां पर अमोनिया है तो यहां पर यदि एक्टिव मेटल होता है तो एक्टिव मेटल के साथ कुछ इस तरीके का रिएक्शन होता है। ये फोर्थ नंबर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपरों में पूछे जाते हैं। नेस्लर रीएजेंट अमोनिया का कंफर्मिंग टेस्ट देता है। मैं एक बात यहीं पर डिस्कस कर लेना चाहता हूं कि अमोनिया का टेस्ट हम किस तरीके से करते हैं, उसकी जांच किस तरीके से करते हैं। तो अमोनिया का टेस्ट जांच नेस्लर रिएजेंट के द्वारा भी करते हैं। यदि अमोनिया के सॉल्यूशन में बेसिक मीडियम में यदि नेस्लर रिएजेंट के 2 ड्रॉप्स डाल दें तो यहां पर ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है। ये देखिए, ये नेस्लर रिएजेंट है और बेसिक मीडियम में आपने अमोनिया के साथ इसको रिएक्ट कराया, तो ये मिलन्स बेस नाम का कंपाउंड बनाता है और यही ब्राउन कलर का होता है। जो ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है वो इसकी वजह से, मिलन्स बेस की वजह से। फिर बाकी जो ये बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मेटल को हाइड्रोजन मिलेगा बाहर, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिलेगा बाहर, तो वो फंडा यहां पर लग रहा है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि
आपके समझ में ये आ गया होगा। तो ये था अमोनिया से रिलेटेड दो वीडियो। इन दोनों वीडियो को आप अच्छे तरीके से समझ लें, और यदि समझ में आ गया हो तो जो अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो होगा फास्फोरस से रिलेटेड, यानी कि फास्फोरस का, फास्फोरस के एलोट्रॉप्स, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड, फास्फोरस के ऑक्साइड्स एक्सेट्रा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।